हेलो एंड वेलकम बैक टू जस्ट होममेड। आज हम सीखेंगे आलमंड फ्लावर डोसा बनाना, जो कि काफ़ी फिलिंग एंड चीज़ी डोसा है। पर सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ये है इसके इंग्रेडिएंट्स। तो इसके लिए लेंगे हम एक मिक्सिंग बोल, जिसमें हम जो हमारे चार इन्ग्रीडियंट्स हैं, आलमंड फ्लावर, मोज़रेला चीज़, कोकोनट मिल्क एंड सॉल्ट, इन सबको ऐड करके इसे हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सो दैट मोज़रेला चीज़ हमारी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। मेक श्योर मोज़रेला चीज़ हम ग्रेटेड यूज़ करें, क्यूब्स यूज़ ना करें, अदरवाइज़ उसे मेल्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। मिक्स करने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। इसके बाद जैसे आप डोसा को उतारते हैं तवे पे, तवे को ठंडा करके एक बार, मैंने वही किया है। यहाँ पे गीले कपड़े से तवे को पोंछ दिया है, उसमें 1 स्पून हमने बैटर डाला है। अब इसका बैटर इज़ नॉट डोसा का प्रॉपर बैटर है ना, तो फ्लेम को हम थोड़ा हाई करेंगे ताकि चीज़ मेल्ट हो, और इसे तवे को इस तरीके से घुमाते हुए हम सब तरफ फैलाएँगे। डोंट बी श्योर कि ये आपका गोल डोसा बनेगा, कहीं का नक्शा भी बनता है, सो दैट्स फाइन। डोसा बनना इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ गोना बी रियली क्रिस्पी एंड चीज़ी डोसा। सो इस तरीके से मैं स्पून की हेल्प से इसे थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर दे रही हूँ, एंड स्प्रेड करने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे। हमने फ्लेम अभी हाई सिर्फ चीज़ को मेल्ट कराने के लिए की है। हो जाने के बाद एक बार स्प्रेड अच्छे से हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे बिल्कुल, ताकि हमारा डोसा जल ना जाए, एंड अगर चीज़ इसका जल गया तो द टेस्ट विल बी क्वाइट बिटर। नाउ सिंस डोसा प्रॉपरली स्प्रेड हो चुका है, तो हम इसे लो फ्लेम करके कुक करेंगे। जब हल्का हल्का मैं इसे ब्राउनिश किसी साइड पे कलर दिखने लगेगा, देन वी विल ओनली ट्राई टू फ्लिप इट। तब तक आप इसे छेड़े नहीं, अदरवाइज आपका ये डोसा नहीं बनेगा, इट विल बिकम स्क्रैम्बल्ड बैटर ओनली। तो ये जो हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट्स आ रहे हैं, दे ओनली मेक श्योर कि हमारा जो चीज़ है इसमें दैट इज़ गेटिंग कुक्ड। एंड जब हम इसे फ्लिप करेंगे तो देखिए कितनी ईजिली ये फ्लिप हो गया। So we'll cook on the other side also for just half a minute, and our cheesy almond flour dosa is ready.